हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्य ही हमारी जाति है, मानवता और मनुष्यता ही हमारा धर्म है। सर्वप्रथम मानव बनो, मनुष्य बनो, अच्छे कार्य करो, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। अब एक अनुभव आपका भी लेते हैं। आज मुझे सुबह सूचना मिली आपका भी एक्सीडेंट हुआ। आओ बेटा, क्या शुभ नाम है आपका, आओ। अब इनके अनुभव सुनना। ये तो मैंने अपनी आप बीती बताई। हाँ, पर्चा तो पर्चा भी दिखाना। आप भी मेरे पास आए। छपरा दरबार कब लगा था? दिसंबर के कौन से महीने में? दिसंबर महीने में कौन सी तारीख को लगा होगा छपरा दरबार? व्यास महतो जी, 15, 16, 17 दिसंबर, दिसंबर में लगा था। 15, 16, 17 दिसंबर में दरबार लगा था छपरा। वहाँ आपकी मुलाकात मुझसे हुई, मैंने देखा और देख करके मैंने इनको बताया और लिख करके दिया कि आप थोड़ा सावधानी बरतना, आप ऐसा मत करना, आप यूं मत करना, निकट भविष्य में आपके साथ एक बहुत भयंकर दुर्घटना घटेगी और आप ही बचोगे। मेरी तो कृपा है, आशीर्वाद है, भगवान लाज रखेंगे, लेकिन आप यूं आपने ऐसा 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 ऐसा। अब पता नहीं इन्होंने वो चीज़ रखी नहीं रखी। अभी बता रहे थे ये 17 तारीख को, ये गाड़ी के भी फोटो भी दिखाएंगे, कैसे मौत के मुंह से बच करके आए। और ना तो क्या होता, खबर आती, न्यूज आती, वो मर गए जी। आओ बेटा, दिखाना मुझे पर्चा। अलर्ट रहे, बिल्कुल मैंने स्पष्ट लिख रखा, 18 दिसंबर का ये पर्चा बना हुआ है। 3 हाजरी सुविधा अनुसार धाम की लगाएं, श्रावण माह में उपवास रखें, ये भी एक मैंने लिख रखा है, ये भी होगा, झूठा होगा ये। एक और चीज लिख रखी है, ये देखो पर्चे में, एक चीज और भी लिख रखी है मैंने, झूठा केस लगेगा इन पर। अब मैंने तो झूठा लिख दिया, अब सरकार इसको झूठा माने या सच्चा माने, मेरी नजर में तो मैं तो एडवांस में लिख दिया झूठा केस होगा, लेकिन कोर्ट में कैसे साबित करोगे? ये पर्चा दिखाने से तो कोर्ट नहीं मानेगा जी। अब वो एक्सीडेंट की फोटो भी दिखा और जो मैंने आपको बताया वो भी इनको संकेत करो। और ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को भी जो बताई जाती हैं आप उसका ध्यान रखें। सत्य सनातन धर्म में शक्ति है, ऊर्जा है, कनेक्शन है, वो कनेक्शन हुआ हमने आपको बताया जी। दिखाना, ये देखो, ये सामने से ये गाड़ी का ये तिया बना हुआ है, 140 की 140 ये गाड़ी तिया बना हुआ है। सूचना ले कर दो, ये 140 की स्पीड से गाड़ी थी और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में लखनऊ से आते वक्त गाजीपुर आता है। हम लोग लखनऊ गए हुए थे, एक गाड़ी में 7 लोग थे और बाकी 6 लोग छपरा के थे और मैं गाजीपुर का था और गाड़ी मैं ही चला रहा था। गाड़ी 130-135 चल रही थी क्योंकि मैं कभी जीवन में इतनी तेज गाड़ी चलाया ही नहीं है। तो मुझे बार बार याद आता था, जैसे मुझे पर्चा जब दिया था तो मुझे डाउट ऐसा लगता था कि मुझे कंट्रोल करना है, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत जल्दी है और यहाँ तक 240 किलोमीटर कंटिन्यू चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा गाड़ी को रोकना चाहिए और सब लोग बाथरूम में रुक कर लो। तो पीछे से एक व्यक्ति ने बोला, नहीं नहीं आप पूर्वांचल को जब छोड़ देते हैं तब रोकिएगा, चाय पीते हैं फिर अपने अपने घर जाएंगे। जैसे ही ये शब्द बोला आगे सामने 2 इतने छोटे छोटे साढ़े के बच्चे मिले। अब 10 मीटर की दूरी थे जब दिखा तो अचानक कैसे ब्रेक लगेगा और वो चीजें जैसे ही दिखा मैंने तुरंत गाड़ी को बाएं टर्न किया क्योंकि दाहिने तरफ मेरे खड़े थे वो, और जैसे ही बाएं टर्न किया फिर वो दाहिना वाला हिस्सा उसके सामने उसकी बॉडी में टच किया और गाड़ी एकदम पूरी तेज एकदम जैसे बम ब्लास्ट करता उतनी शोर हुआ। सारे लोग पीछे वाले बोले कि डिवाइडर में गाड़ी लड़ गई और पीछे एकदम सारे लोग साइलेंट बैठे थे। फिर उसके बाद दाहिने तरफ गाड़ी गई है और दाहिने जा करके जो ओवरटेकिंग बनाया हुआ है उस पे जाके गाड़ी खड़ी हो जाती है। अगर एक और चीज होता, अगर पीछे से भी कोई गाड़ी आती तो भी हम लोगों को कोई नहीं बचा पाता और बाएं भी अगर गई होती तो 30 फीट खड्डे में गई होती। लेकिन भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि हम सातों को स्क्रैच तक नहीं आया और गाड़ी यूं की यूं खड़ी रह गई।
और उसके बाद भी गाड़ी वहां से चल करके सीधे छपरा पहुंच गई। मालिक की कृपा है, आपको पहले एडवांस में बता भी दिया गया। लोग को तो ना भूतकाल के बताते हैं, ये भविष्य की घटना है। मैंने कहा लिख करके दिया एक्सीडेंट होगा, एक चीज़ और लिख करके दे रखे झूठा केस बनेगा, कोई औरत लगाएगी। अब मैं तो झूठा ही कह दिया एडवांस में, ये पाक साफ हैं, लेकिन वो लगाया जाएगा प्लानिंग के तहत, सिस्टम के तहत, विधिवत। और जो मैंने आपको बताया, साथ में आशीर्वाद भी परमात्मा का आपको मिला, मेरी इसमें कोई महानता नहीं, कोई महत्वता नहीं। आपके अपने सत्कर्म पुण्यकर्म सेवा भाव रहा होगा, आपके परिवारजनों के कुटुंबजनों के भाव प्रबल रहे होंगे, आपकी भावना प्रबल रही होगी। आप और हम सामर्थ्यवान गुरु की शरण में बैठे हैं, नहीं तो आप काल के गाल में, काल तो लेने आया था सांड के माध्यम से, काले रंग का सांड ये जैसे बता रहे हैं, दो सांड बता रहे हैं काले रंग का, काल तो लेने आया था इनको, काल ने तो अपनी चाल चल दी, काल के फंदे से आप बच करके आए हो। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये सत्य सनातन धर्म की साक्षात कृपा है।